हेलो मेरे प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी अहोई अष्टमी लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस कार्तिक मास में मैंने कुछ नियम बनाए हैं उसमें है कि अपनी माला रेगुलर करूंगी और दूसरा नियम मैंने बनाया है कि मैं अपनी कुकिंग में अनियन का यूज़ नहीं करूंगी बट मेरे हस्बैंड को अनियन बहुत पसंद आती है तो वो करते हैं बट मैं जब अपना कुछ भी कुक करती हूँ तो उसमें अनियन और गार्लिक यूज नहीं कर रही हूँ और अनियन भी मैंने अभी तक नहीं खाई है इस कार्तिक मास में तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पालक आलू की ड्राई सब्जी जिसके के लिए मैंने लिया था सरसों का तेल तेल गर्म हो गया था तो उसमें डाला था जीरा हींग हल्दी और जब जीरा हींग हल्दी भुन गए थे उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं तीन उबले हुए आलू आलू को हल्का सा मैंने क्रंची कर लिया है आपको हल्का हल्का सा किसी किसी आलू पर क्रस्ट भी दिख रहा होगा आलू जब हल्के क्रंची हो गए तो उसके बाद मैंने इसमें दो मीडियम साइज के डाल दिए हैं टमाटर तो ये मैं उबले हुए आलू से आज पालक आलू की सब्जी बना रही हूँ टमाटर डालने के बाद मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल दे रही हूँ जैसे गरम मसाला पाउडर हल्की सी लाल मिर्च सूखा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर एक बारी और मिक्स कर देंगे एंड इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे डिनर से तो ये मैं बना रही हूँ फ्राइडे का डिनर जिसमें कि बन रहा है पालक आलू टमाटर टमाटरों को भी डालने के बाद और मसाले डालने के बाद मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मसाले भी इसमें भुन गए हैं अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ कटा हुआ पालक करीबन 300 ग्राम के आसपास होगा और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक सभी चीज़ों को अच्छे से कर दूँगी मिक्स उसके बाद एक बार और कवर करके इस सब्जी को थोड़ी देर और पका लेंगे जब तक कि जो पालक है ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता और पक नहीं जाता है तो आपने देखा मिक्स करते वक्त ही पालक आधे से भी कम हो गया है तो इस सब्जी को बनने में केवल दस मिनट लगते हैं क्योंकि आलू यहाँ पे उबले हुए हैं और पालक को पकने में सिर्फ दो मिनट लगते हैं सब्जी यहाँ पर बनके हो गई है तैयार मैं इसको थोड़ा सा लटपटा ही रखूंगी आप चाहें तो इसका जो पानी है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं आप देखिए लग रही है ना एकदम मस्त सब्जी और लास्ट में मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा खटाई पाउडर मैंने इसमें हरी मिर्च और अदरक का यूज़ नहीं कराया क्योंकि मेरे बच्चे हरी मिर्च और अदरक नहीं खाते हैं तो यहाँ पर डिनर में बना ली है पालक आलू टमाटर की सब्जी ऑन द अदर साइड आटा भी लगा के मैं रख दे रही हूँ तो अभी तो कोई खाना नहीं खा रहा है क्योंकि इवनिंग में मैंने इन लोगों को हैवी स्नैक्स दे दिया था जब ये स्कूल से आए थे और फ्राइडे को कोई होमवर्क ऐस सच मिलता नहीं है तो ये लोग शाम में आराम से अपना खेलते कूदते रहते हैं कल अभियामी है यानी सैटरडे को तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ यतका के मेहंदी भक्त तो अभी मना कर रहा है उसके नेक्स्ट डे लगा दूँगी यानी अभुई अष्टमी वाले दिन अभी मैं केवल यतका के ही यहाँ पर मेहंदी लगा रही हूँ फ्राइडे नाइट को तो मैंने दोनों बच्चों को डिनर करा के और यथका के मेहंदी लगा के इन लोगों को जल्दी सुला दिया था अब हो रही है सैटरडे की मॉर्निंग और आज है अवई अष्टमी दोनों बच्चों को पालक आलू अच्छी लगी थी तो मैंने ब्रेकफास्ट में इन लोगों को पालक आलू की सब्जी से ही और पराठा दे दिया है और इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है थोड़ी देर ये लोग आए हैं बाहर खेलने के लिए बाहर वेदर आज बहुत अच्छा हो रहा है और अब मैं इन दोनों बच्चों से बोल रही थी कि अब हेलोवीन तो हो गया है और अब आएगी दिवाली तो तुम अपनी जो हेलोवीन की डेकोरेशन है इसे हटा दो और उसके बाद हम दिवाली की डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे तो ये लोग हटा के इस कॉर्नर में रख देंगे उसके बाद में इसको एक कार्टन में रख के और उसको जो इनकी जगह है वहाँ पर रख दूँगी तो आप देखिए कितना सारा कलेक्शन है और मैं अब बस अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ थोड़ा कुछ उसके यहाँ पर काम था और मैं पूरे दिन के लिए रेडी हो गई हूँ आऊई अष्टमी पर मैंने कैरी कर लिया एक सिंपल सा सूट ऑल दो आज मेरे को अभी अष्टमी माता का कोई प्रसाद नहीं बनाना है और पूजा भी मैं नहीं करूँगी मैं सिर्फ कहानी सुनूँगी सारी पूजा और अर्घ विवेक ही करेंगे बट स्टिल मैं लंच में बना रही हूँ पालक पनीर की सब्जी फ्रेंड के यहाँ से आ गई थी फिर मैंने सोचा चलो अब मैं बना लेती हूँ लंच बच्चों के लिए ताकि उनको टाइम पर लंच मिल जाएगा मैंने पैन लिया है पैन में थोड़ा सा डाला है ऑयल ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है जीरा हींग हल्दी तीनों ही चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे जीरा हींग हल्दी भूनने के बाद मैंने इसमें दो टमाटर और अदरक को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था वो डाल दिया है हल्का सा मिक्स करेंगे उसके बाद डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले बेसिक मसाले में मैंने डाला है गरम मसाला सूखा धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर उसके बाद ये मसालों को भी मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे और जब टमाटर से ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे ब्लांच की हुई पालक की प्योरी सो मैंने जब कल पालक आलू बनाया था उसके बाद जो बचा हुआ पालक था उसको मैंने ब्लांच कर लिया था और मैंने उसकी प्योरी भी बना ली थी उसको कर देंगे अच्छे से मिक्स उसके बाद मैंने फ्रीज़र में ऑलरेडी अपना जो पनीर आता है कॉस्को का उसको स्टोर करके रखा हुआ था क्यूब्स की फॉर्म में वो भी मैंने इसमें डाल दिया है लास्ट में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक सब चीज़ों को कर देंगे मिक्स और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए ऑल पालक ब्लांच है लेकिन स्टिल फिर भी इसको हमको कम से कम पंद्रह मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ना पड़ेगा पकने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं पूजा नहीं करूंगी अहोई माता की तो विवेक ने अहुई माता अपने हाथों से बनाई है रोली से और बस मैं पीछे बैठ के कहानी सुन लूंगी बाकी सारी जो पूजा है वो विवेक ही करेंगे बोला तो, बैठो पापा के पास अष्टमी को मनाया जाता है इस दिन बच्चों की मां पूरे दिन व्रत रख रखती हैं। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल लोटा रखने लेती और रुपए का बाजा निकाल पूजा होने के बाद और बच्चों को लंच देने के बाद हम लोगों ने कराए कुछ पिक्चर्स तो बस आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ तो भी ले 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 शाम के करीबन साढ़े छः हो रहे होंगे और अब मैं देख रही हूँ तारे निकले हैं या नहीं निकले हैं पर जैसे ही मैंने कर्टेन खोला विवेक बोले दिव्या बाहर तारे निकल गए हैं और अब मैं बस जाऊंगी और तारे देखूंगी उसके बाद अपना व्रत खोलूंगी व्रत खोलने के बाद हम लोग जा रहे हैं वॉलमार्ट वॉलमार्ट से बच्चों के लिए कुछ साइकिल देखनी थी क्योंकि दोनों ही बच्चों की साइकिल छोटी हो गई हैं प्लस इन लोगों के बर्थडे भी आ रहे हैं और उसके अलावा थोड़ा बहुत सामान और लेना था वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से तो शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू तो बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू